हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर लाइफ। और गाइस, उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। गाइस, जैसा कि आपको पता है, कल भी हमने यहां पे चर्चा की थी रिगार्डिंग दो स्टॉक जो कि इंट्राडे के लिए हो सकते खास, जिसमें हमने एक दिया था एचडीएफसी बैंक और दूसरा था हमारा इंफोसिस, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। गाइस, इंफोसिस का ट्रेंड कुछ खास नहीं रहा, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने आफ्टर 10 o'clock बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई है, जो कि हमने टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर की। तो गाइस, आज भी हम बात करने वाले हैं ऐसे ही दो खास स्टॉक के बारे में जो कि हो सकते हैं कल के लिए खास। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल यूडी ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, उसे दबा दे और उसी के पास में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे भी दबा दे ताकि हम जब भी कोई नई अपडेटेड वीडियो लेके आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो में सीधे आगे और देखेंगे कौन सा पहले नंबर का स्टॉक जिसमें हम कल इंट्राडे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर पाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे स्क्रीन पे, फर्स्ट नंबर का स्टॉक हमने यहाँ पे लिया है एलएनटी। गाइस, एलएनटी कई बार हमने लिया है, रिपीटेड स्टॉक है अपनी वीडियो सीरीज का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंट्राडे की सीरीज में एलएनटी और हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टॉक आते हैं, इंडियन बैंक हो गया, एलएनटी हो गया, तो आज का ट्रेंड हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा के गया है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बन रही है। अगर बात करें हम स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट की, 1382 का बन रहा है उसके ऊपर 1389 का, ठीक है, कल ये ब्रेक हो सकता है, इसमें पूरी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। एलएनटी परफॉर्म कर सकता है, इसमें न्यूज भी चल रही है, जैसा कि आपको पता है कि एलएनटी को बहुत ही बड़ा रेलवे कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, जिसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था और अपने ओपलेंट ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था। साथ ही गाइस, अगर बात करें हम इसके इंडिकेटर व्यू की नजर से अगर इसको देखें, तभी भी ये स्टॉक हमें एक अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। तो गाइस, ये स्टॉक आपकी वॉचलिस्ट में कल होना चाहिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला, इंडिकेटर व्यू की नजर से अच्छा दिख रहा है। अगर बात करें हम एमएससीडी, आरएसआई, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, 50 और 100 की अगर मैं बात करूं, सभी तरीके से हमें स्टॉक में बाइंग सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस, सीधे बढ़ेंगे हम एलएनटी के इंट्राडे सेटअप की ओर और देखेंगे कि क्या गैप में कल हमें इसमें काम करना है। तो जैसा गाइस आप देख पा रहे हैं, 20 जनवरी यानी कि कल के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने रखा है एलएनटी, जिसका करंट मार्केट प्राइस अभी जो चल रहा है वो है 1370। टारगेट की अगर बात करें, 11 पॉइंट का हमने टारगेट डिसाइड किया है। सिमिलर 11 पॉइंट का हमने यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की मैं बात करूं, 1:1 के बेसिस पे रखा है। 11 का टारगेट, 11 का स्टॉप लॉस। एज ए इंट्राडे यहाँ पे चर्चा हो रही है, अगर गैप अप होता है नियर टारगेट यानी कि 1381 के ऊपर अगर स्टॉक खुलता है तो आप इसको अवॉइड कर देना टिल द टाइम ऑफ 10:30। कल एचडीएफसी में भी ये चीज बोला था, अगर आपने नोटिस किया हो, अगर नहीं किया तो वीडियो जाके देख सकते हो। आज सेम सिनारियो बना एचडीएफसी में, सुबह सुबह हमने बोल दिया था टेलीग्राम पे, हाथ नहीं लगाना है दोनों ही स्टॉक में जब तक मार्केट सही पॉइंट पे ना आ जाए। और 10:30 के बाद एचडीएफसी ने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया है वो आप चार्ट पे जाके देख सकते हैं। गाइस, नोट को एक बार रीड जरूर कर ले और यहाँ पे क्लियर होते एलएनटी के डेटा, सीधे बढ़ेंगे दूसरे स्टॉक की ओर और देखेंगे कि कौन सा है दूसरे नंबर का स्टॉक जिसमें कल हम इंट्राडे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर पाए। तो गाइस, सेकंड नंबर का स्टॉक आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है ग्रासिम को। आज परफॉर्मेंस ग्रासिम का भी बहुत अच्छा रहा है, हमारा पेड कॉल रह चुका है आज के दिन में, हमने स्क्रीनशॉट जो है वो भी टेलीग्राम में भेजा था कि कब हमने इसमें एंटर और एग्जिट लिए हैं। डेफिनेटली ग्रासिम जो है, आदित्य बिरला ग्रासिम पूरा नाम बोलना चाहूंगा, कल के लिए हो सकता है खास, ये आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए कल के लिए। अगर आप चाहे तो एज अ डिलीवरी भी ग्रासिम को कंसीडर कर सकते हैं। अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 1032 पे है। अगर मैं आज के रेजिस्टेंट की बात करूं, यानी कि आज जो स्टॉक ने हाई बनाया है वो है 1352, 20 रुपीज की डाउन ट्रेंड देते हुए स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। मतलब कहीं ना कहीं ग्रासिम में प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज की डेट में, जो लोग स्ट्रक हो रहे थे इस पोजिशन में उन्होंने आज अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की है। तो हो सकता है ये जो स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली है आज ग्रासिम एंड एलएनटी दोनों की मैं बात कर रहा हूं, तो दोनों की स्ट्रेंथ हमें कल भी देखने को मिल सकती है। पूरा फोकस आपका इन दोनों स्टॉक पे होना चाहिए कल के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की मैं बात करूं, 994 का है, क्योंकि इसके ऊपर स्टॉक ने 2 से 3 बार टच किया है और वहां से वापस जो है स्टॉक रिवर्सल लेते हुए हमें नजर आया। अगर हम सभी लेवल की बात करें, इंडिकेटर व्यू की नजर से देखें तो एमएसडी, आरएसआई, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मैं अगर बात करूं वी वेब की नजर से भी स्टॉक जो है वो बुलिश देखने को मिल रहा है। अगर क्लोजिंग की हम बात करें तो स्टॉक जो है वो वी वेब के नीचे आके हमें क्लोजिंग देते हुए दिखा है। लेकिन गाइस, अगर प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो बनता है कभी चार्ट पे, तो वी वेब को हम एज अ फॉल्स सिग्नल मानते हैं, ठीक है, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना होता है जब वो क्लोजिंग टाइम में प्रॉफिट बुकिंग के साथ स्टॉक क्लोज होता है। स्ट्रेंथ को समझना जरूरी है जो कि हमें आज की शुरुआत में देखने को मिला है, कल भी इस पे नजर जरूर रखिएगा। सीधे बढ़ेंगे ग्रासिम के इंट्राडे सेटअप की ओर और देखेंगे कि कौन से गैप में कल हम इसमें काम कर सकते हैं। तो जैसा गाइस आप देख पा रहे हैं, ग्रासिम आपके सामने रखा हुआ है, करंट मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें 1032,
10 पॉइंट का टारगेट डिसाइड किया है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने रखा है, सेम इंट्राडे के लिए चर्चा हो रही है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एज अ डिलीवरी भी लेके चल सकते हैं विद द माइंडसेट ऑफ 1 or 2 वीक। अगर मैं आज बात करूं FII and DII एक्टिविटी की, तो ओवरऑल 59 करोड़ पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। FII and DII एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 59 करोड़ में निफ्टी का इतना बड़ा मूवमेंट, ये कुछ हजम नहीं हो रहा है लोगों को। कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी किए हैं, मैं बताना चाहूंगा कि कल भी सेम सिनेरियो बना था, कल भी अच्छी बाइंग थी FII and DII में, लेकिन निफ्टी माइनस में क्लोज हुआ था। अभी फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है उसको लेते हुए मैं बताना चाहूंगा कि डिलीवरी में काम करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो आप अवॉइड ही करें डिलीवरी को, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क उठाना चाहते हैं तो ग्रासिम को कंसीडर कर सकते हैं। गैप अप नियर टारगेट की अगर मैं बात करूं, सीधा 1042 के ऊपर खुलता है तो अगेन 1030 और 11 तक हमें रुकना है, उसके बाद ही अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। नोट को एक बार रीड जरूर कर ले। और यहां पे होते हैं दोनों स्टॉक क्लियर, ग्रासिम एंड LNT अपनी वॉच लिस्ट में होने चाहिए कल के लिए, ठीक है। लाइव मार्केट में मिलते हैं हम टेलीग्राम पे सीधे। अब बढ़ेंगे हम निफ्टी के लेवल्स की ओर, देखेंगे कौन से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट अभी निफ्टी पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी का आज क्लोजिंग दिया है हमें 14,526 में, जिसके रेसिस्टेंट लेवल की सबसे पहले हम बात करेंगे। 14,552 हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंट देखने को मिल रहा है, सेकंड की अगर बात करें 615, और 652 जो है वो हमारा थर्ड रेसिस्टेंट यहाँ पे बन रहा है। सिमिलर वे में अगर हम सपोर्ट लेवल को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14,438 जो है वो फर्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, 14,353 और 14,228, यहाँ पे 3 लिख दिया है, राइटिंग एरर है ये, ठीक है, इसको कंसीडर करेगा एज अ 14,000। तो सपोर्ट की हम बात करें 14,438, 14,353 एंड 14,228 जो है हमें अभी चार्ट पे देखने को मिल रहा है। दिस इज विद द एग्जिस्टिंग डेटा जो हमें चार्ट पे ऑलरेडी दिखा के गया है, निफ्टी का ट्रेंड उसके बेसिस पे ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट आपके सामने रखे जाते हैं। गाइस यहाँ पे सभी चीजें क्लियर होती हैं और उम्मीद करूंगा कि कल अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड से गुजर पाएं। कोई भी डाउट या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एक्चुअली आज वीडियो नहीं आने वाला था, मैंने टेलीग्राम पे पॉज भी किया था कि आज इंट्राडे का वीडियो नहीं आएगा, लेकिन मुझे कुछ टाइम मिल गया अभी तो मैंने तुरंत इसको बनाया है। और नेक्स्ट डे के स्टॉक का इवैल्यूएशन जो है वो आफ्टर 3 o'clock हो जाता है, जो वीडियो एडिटिंग का प्रोसेस है वो हमारे इस टाइम पे होता है। गाइस यहाँ पे वीडियो आ चुकी है, मैं कोशिश करता रहूंगा कि कभी भी आपको ये इंट्राडे सीरीज मिस ना हो, हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा और हमेशा वीडियो लेके आता रहूंगा। जस्ट वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें यूडी ट्रेंड को, वीडियो को शेयर करें जितना आप कर सकते हो, ठीक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए गाइस मिलते हैं इसके साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।